दोस्तों आज किस वीडियो में आपके लिए जो तरीके लाया हूँ YouTube चैनल को रिकवर करने के लिए वो बहुत ही अमेजिंग है और दो डिफरेंट तरीके लेके आया हूँ जिसके जरिए आपका YouTube चैनल 110% रिकवर हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले कोई ऐसी वीडियो देखी जिसमें मतलब लोग डिफरेंट यूट्यूबर्स तरीके बता रहे हैं कैसे आपने YouTube चैनल को रिकवर करना है, तो मुझे आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका चैनल रिकवर होने वाला है या नहीं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से एंड तक बताऊंगा कैसे आपने चैनल को जो है वो रिकवर करना है। अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की तो आपको ये दोनों जो तरीके हैं इसके ज़रिए मतलब जो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में वैसे ही करना है, आपका चैनल 100% जो है वो रिकवर हो जाएगा। आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना है। इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ कि कैसे आपने जो है वो चैनल को रिकवर करना है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीका है और उससे आपका यूट्यूब चैनल जो है वो 110% जो है वो रिकवर हो जाएगा। अब पहला जो तरीका है, पहले हम तरीके की तरफ चलते हैं, उसके अंदर हमें जो है वो अपील करनी होती है यूट्यूब से कि मेरे यूट्यूब चैनल आप जो है वो रिकवर कर दें। अपील कैसे करना है, देखें जब आपका चैनल सस्पेंड होता है तो आपके पास एक ईमेल आती है, ईमेल के अंदर दिस फॉर्म के नाम से क्वेश्चन आ रहा होता है, मैं आपको लेफ्ट या राइट साइड की जो है वो दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है पेज एक ओपन हो जाएगा। अब मैं मोबाइल पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने जो है वो उस फॉर्म को फिल करना है, उस फॉर्म के मतलब सारी डिटेल्स पुट करनी है और उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, दूसरा तरीका क्या है और किसके कैसे जो है वो अपने जो है वो चैनल को रिकवर करना है। अगर आपने कोई मिस्टेक की है या नहीं की तो आपने इस बार एक बार ट्राई जो है वो लाजमी कर लेंगे, अगर तो आपने नहीं की तो वेल एंड गुड और आपका यूट्यूब चैनल जल्द ही जो है वो रिकवर हो जाएगा। सब चलते हैं मोबाइल पर, मैं आपको बता दूँ कैसे आपने जो है वो उसको रिकवर करना है और पहला तरीका जो है वो कैसे आपने जो है वो अप्लाई करना है, अपील कैसे करनी है। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, आपने सिंपल आ जाना है यूट्यूब को, हमने जो है वो अपील करनी है कि हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो रिकवर कर दें। सो उसके लिए आपने गूगल क्रोम में आना, गूगल क्रोम में आने के बाद आपने सिंपली सर्च कर लेना चैनल टर्मिनेशन यूट्यूब। इसके बाद आपने इसको सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपने पहले ही जो है वेब लिंक आ रहा होगा उसके ऊपर प्रेस करना है और आपके पास ये जो है वो एक ओपन हो जाएगा पेज। अब यही चीज़ यही है दिस फॉर्म का ऑप्शन आपके पास इधर देख के नज़र आ रहा है दिस फॉर्म। सो जब आप अपनी ईमेल ओपन करेंगे जिसके अंदर आपको मैसेज बताया गया कि आपका चैनल टर्मिनेट हो गया, उधर भी आपको दिस फॉर्म का ऑप्शन मिलता है। अगर आप वो डिलीट हो गया तो आप इधर आकर सर्च करें और दिस फॉर्म के ऊपर आपने सिंपल कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, अब इधर देखें उधर ऊपर जो लिखा हुआ है यूअर फुल नेम, आपने इधर अपने जो है वो अपने चैनल का नाम जो है वो लिख लेना है, जो भी आपके चैनल का नाम है। सो मैं अपने चैनल का नाम जल्दी से लिख लिया, तो चैनल का नाम इधर आपने लिखना है जो कि एग्जैक्ट चैनल का नाम है जिसका जो चैनल सस्पेंड हुआ है। उसके बाद नीचे जो है वो आपने अपनी ईमेल आईडी जो है सेलेक्ट कर लेनी है जिसके ऊपर आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ था और वो सस्पेंड हुआ, और आपने उसी ईमेल आईडी से ही ये जो है वो सेव करनी है, सबमिट करनी है, ये फॉर्म फिलअप करना है। सो इधर एक चीज़ आप मेक श्योर कर लें कि ऊपर आपको राइट साइड पे जो कॉर्नर पे जो आइकन नज़र आ रही है वो आपके ओरिजिनल चैनल की है जिसके ऊपर आपका चैनल बना हुआ था, जिस ईमेल के ऊपर आपका चैनल बना हुआ था और वो डिमोनेटाइज हुआ या फिर सस्पेंड हुआ। सो ये चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो नीचे आ जाना है, नीचे आपको जो है वो इधर ईमेल एड्रेस वो यूज़ टू कॉन्टैक्ट यू, मतलब एक सेकेंडरी ईमेल एड्रेस आपने जो है वो इधर एंटर करना है। कोई भी ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं जिस पे आपको यूट्यूब जो है वो बाद में कांटेक्ट कर सकती है, आपको अपना जो है वो फैसला सुना सकती है कि मेरा आपका चैनल रिकवर होगा या नहीं। तो नीचे आपने जो अपने चैनल का यूआरएल जो है वो सस्पेंडेड यूट्यूब चैनल का जो यूआरएल है वो आपने इधर पेस्ट करना है। अब वो यूआरएल कहाँ से मिलेगा, बहुत से लोगों को ये यूआरएल ही नहीं मिलता। जब आपका चैनल सस्पेंड होता है आपको एक ईमेल आती है, ईमेल के अंदर आपके पास जो लिखा होता है कि आपका ये वाला यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो चुका है, जब उस चैनल के ऊपर आप प्रेस करते हैं वो क्लिकेबल होता है तो आपके पास जो आपका यूट्यूब चैनल ओपन हो जाता है जो कि सस्पेंड हो चुका है। सो आप वही लिंक कॉपी करके इधर जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक शॉर्ट लिंक बना रखा है यूआरएल, जैसे कि मैंने अपने चैनल का बना रखा था www.youtube.com आगे जो है वो /c एंड देन /, इधर आपने अपने चैनल का नाम जो है वो लिख लेना है अलीजान ऑफिशियल, ये पहले से बनाना पड़ता है अगर तो आपको बना हुआ है सो आप ये एंटर कर सकते हैं ये वाला लिंक, सो अगर नहीं बना हुआ तो आपने जो है वो उधर से कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। सो ये करने के बाद आप नीचे आएंगे तो इधर आपने सब कुछ जो अब लिखना होता है जो कि आपको इधर लिखने के लिए जो है वो जो सब कुछ बताना होता है कि आपके यूट्यूब चैनल पे क्या कुछ था क्या नहीं था, आपने क्या जो है वो गलती की क्या नहीं की। सो मैंने पहले से कॉपी कर रखा था कि आपका टाइम ना बचे, तब बस आपने उसके अंदर अपने चैनल का नाम लिखना होता है, थोड़ी सी उसके अंदर चेंजेस करनी होती हैं, तो मैं पहले जल्दी से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इधर पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये जो टेक्स्ट मैंने कॉपी करा था वो मैंने पेस्ट कर दिया, मैं कुछ पढ़ के सिंपल सुना देता हूँ कि इसके अंदर मैंने लिखा है। मैंने यही लिखा है कि डियर यूट्यूब टीम, मेरे यूट्यूब चैनल रिसेंटली मेरे यूट्यूब चैनल है वो सस्पेंड हो चुका है किसी रीज़न
कोई भी रीज़न नहीं था और उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल जो है वो नो रीज़न के लिए जो है वो सस्पेंड कर दिया। अब इधर आप देख लीजिए रिसेंट योर यूट्यूब चैनल, अगर इधर आपने अपने चैनल का नाम ये जो चैनल नेम लिखा हुआ है इधर आपने ये इसको रिमूव करके अपने चैनल का नाम लिख देना है। और ये मुझे ये पता है कि मैंने सिंपल ये लिखा है कि मुझे ये पता है कि ये एक गलती की वजह से हुआ है और मैंने कभी जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन की जो पॉलिसीज है उसको जो है वो वायलेट नहीं किया, उसको मैंने फॉलो किया और मैं जिस टॉपिक पर वीडियोस अपलोड करता हूँ आई यूज़ टू अपलोड वीडियोस रिलेटेड टू, अगर आपने जो है वो अपना टॉपिक लिख देना है कि किस टॉपिक पर आप वीडियोस अपलोड करते हैं। सो इस तरीके से जो है मैंने सारा कुछ लिख दिया है कि मेरी ये जो भी वीडियोस थी किसी ने गलत फ्लैग किए, कोई मेरे जो रॉन्ग पर्सन से जो कमीशन हेट करते थे मेरी वीडियोज़ को जो मेरे खिलाफ से सो मेरी वीडियोज़ को रिपोर्ट करते रहते थे, फ्लैग करते रहते थे, सो मे बी ये रीज़न हो सकता है मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ को जो है वो यूट्यूब चैनल को जो है वो सस्पेंड करने का। सो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल पे जो पेनल्टीज़ वगैरह हैं उसको रिमूव करें और जो है मेरे चैनल को रिकवर कर दें। सो ये करने के बाद आपने सबमिट कर लेना है और आपकी ये फॉर्म सबमिट होगा। सो ये था पहला तरीका जिसमें हमें जो अपने यूट्यूब चैनल रिकवर करने के लिए अपील करनी होती है, लिख के भेजना होता है, फिर जब वो यूट्यूब वाले चेक करते हैं उसके बाद जो वो आपको ईमेल करते हैं कि आपका चैनल रिकवर होगा या नहीं, आपने मिस्टेक की है या नहीं। सो जो दूसरा तरीका है उसके अंदर हमें क्या करना होता है, यूट्यूब को ईमेल करनी होती है, यूट्यूब की जो ऑफिशियल जो उनकी है सॉरी ईमेल उसके ऊपर जो हमें ईमेल करनी होती है, उसके अंदर बस सारा लिखना होता है कि हमारा जो है वो चैनल जो है वो हम इतने देर से काम कर रहे हैं, हमारे चैनल पर इतने सब्सक्राइबर थे और मैं ये सारा कुछ ही जानता था यूट्यूब के रिलेटेड, यूट्यूब की सारी पॉलिसी जो वो मुझे पता थी, लेकिन फिर भी मेरे आपको अपने मेरे यूट्यूब चैनल जो है वो टर्मिनेट कर दिया, मेरा जो यूट्यूब चैनल है मतलब प्रॉपरली मैं जो है वो काम कर रहा था। सो ये कुछ आपने जो है ईमेल के अंदर लिखना होता है और जो कुछ भी लिखना हो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको पहले बताया जिसके मिल जाएगा सारा कुछ, वो आप वहाँ से सिंपल कॉपी पेस्ट करके अपने चैनल का नाम अपने सिंपल लिखना है, अपने सब्सक्राइबर वगैरह लिखने हैं, अपने चैनल का लिंक वगैरह देना है और आपने जो है वो ईमेल करते नहीं है, तो आपको जल्द ही विद इन 2 डेज के अंदर आपके आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा और आपका यूट्यूब चैनल 110% रिकवर हो जाएगा। अब ये वीडियो देखने के बाद जिन लोगों का जिन्होंने ये अपील की, जिन्होंने ये जो है वो इस ये तरीका अप्लाई किया और अपना उनका चैनल रिकवर हो गया, तो चैनल रिकवर होने के बाद आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर डन लाजमी कह सकते हैं कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो रिकवर हो गया। सो अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरह, वो कैसे आपने जो है वो यूट्यूब को ईमेल करनी है वो भी मैं आपको मुकम्मल डिटेल से शुरू से लेकर अंत तक बता देता हूँ। सो पहला स्टेप आपने देख लिया जिसके अंदर मैंने आपको सिंपल ये बताया कि कैसे आपने जो है वो अपील वाला फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, उसके बाद 2-3 दिन बाद रिस्पांस आपके पास आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा स्टेप उसके अंदर हमें जो है वो ईमेल करनी होती है यूट्यूब को, यूट्यूब की ऑफिशियल जो मेल है ईमेल है उसके ऊपर हमने मेल करनी होती है, उसके लिए हम जीमेल को जो है वो ओपन कर लेते। सो आपने अपने ईमेल को ओपन करने के बाद सिंपल आपने कंपोज पे प्रेस करना है, कंपोज पे प्रेस करेंगे तो इधर आपके पास जो है वो टू मतलब आप किसको ईमेल सेंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इधर लिख लेते हैं क्रिएटर आगे ये स्लैश स्पोर्ट आगे ए डाल के youtube.com ये लिख के आपने क्या कर लेना है नीचे वाले को इसको सेलेक्ट कर लेना है। सो अभी तो लिख देते हैं, अब हम सब्जेक्ट में लिख देते हैं कि हम किस टॉपिक पर जो है वो अपील करने जाते हैं, तो लिख लेते हैं हम चैनल अकाउंट लिखना है, अपने चैनल लिखना अकाउंट टर्मिनेशन रिकवरी, आपने ये लिख देना है अकाउंट टर्मिनेशन रिकवरी। ये लिखने के बाद आप जो नीचे आपने जो लिखने कंपोज ईमेल में वो भी मैं आपको डिटेल से मैंने जो पहले से लिख लिया है आपने सिर्फ उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी है और वही एज इट इज़ आपने जो है वो इसको इनको सेंड कर देना है। सो मैं पहले उसको कॉपी कर लेता हूँ, तो मैंने टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लिया, आपने सिंपल जो है वो ऐसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन से ये सारी कुछ जो भी है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा उधर से आपने कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद अब देखिए किसके अंदर मैंने आपने जो क्या चेंजिंग्स करनी है, इधर आपने अपने लिख लेना है अपने चैनल का नाम जहाँ पर लिखा हुआ है चैनल नेम, यहाँ पर जो है उसको मिटा के अपने चैनल नाम लिख देना है और उसके ऊपर जहाँ पर लिखा हुआ है योर सब यहाँ पर अपने अपने सब्सक्राइबर लिखने हैं कितने सब्सक्राइबर थे, उसके बाद जो है वो एंड वर्किंग विद यूट्यूब सिंस लास्ट 2 ईयर्स, अब जितने टाइम से आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो भी आपने इधर जो है वो चेंज करके लिख लेना है। नीचे आप आएंगे तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको मुकम्मल डिटेल से आइडिया हो जाएगा कि आपने कोई मतलब इसके अंदर मैं सिंपल ये लिखना मैंने कभी कोई वॉयलेशन नहीं की, मेरे यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो गए, इतने सब्सक्राइबर थे, इतने देर से मैं काम कर रहा था, मेरे और भी चैनल्स हैं मैं उसके ऊपर भी काम करता हूँ, लेकिन कभी मैंने जो है वो ऐसा कोई भी गलती नहीं की और मैंने कभी भी है जो है वो न्यूडिटी टेररिज्म किसी के खिलाफ वीडियोज़ जो है वो नहीं बनाई। सो काइंडली मेरे चैनल को डीपली रिव्यू करें, कुछ गलत लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पर गलत रिव्यूज़ दिए, मेरे यूट्यूब चैनल को फ्लैग किया, मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ पर रिपोर्ट की, सो दैट कुड बी द रीज़न फॉर सस्पेंडिंग माई यूट्यूब चैनल और ये रीज़न हो सकता है मेरे यूट्यूब चैनल को सस्पेंड करने का। सो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को डीपली चेक करें और ये मेरे यूट्यूब चैनल मुझे वापस कर दें और ये मैटर नहीं है सिर्फ एक अकाउंट का, एक यूट्यूब चैनल का, मेरे होम के एक्सपेंसिस
एक्सपेंसेस जो मेरे घर के अखराजात हैं यूट्यूब की ही मनी से चलते हैं। सो ऐसा कुछ जो है जो मैंने लिखा सिंपल यही कॉपी एंड पेस्ट करें और होपफुली आपको जो है वो मसला हल हो जाएगा। सो आपने इसे सिंपल ईमेल सेंड कर लेना और आपका मसला जो है वो तकरीबन 1 से 2 दिन में जो है वो हल हो जाएगा। और जिन लोगों का मसला 1 से 2 दिन में हल हो जाए, जिनका चैनल रिकवर हो जाए, सो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि भाई मेरा जो है वो यूट्यूब चैनल रिकवर हो गया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में ठीक है बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।